दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आईज विदाउट अ फेस नाम की एक फ्रेंच थ्रिलर हॉरर मूवी देखी है, जो कि 1960 में रिलीज हुई थी और इसे जॉर्जेस फ्रांजो ने डायरेक्ट किया है। आईज विदाउट अ फेस को आईएमडी पे मिले हैं 7.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 98% फ्रेश। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर आईज विदाउट अ फेस मूवी की कहानी को ब्रीफली जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की ओपनिंग सीन में हम लुईज नाम की एक लेडी को अपने कार में देखते हैं, जो कि काफी घबराई हुई थी। लुईज देर रात में एक सुनसान रास्ते पर ऐसे ड्राइव कर रही थी एज इफ वो जल्दी में कहीं जा रही हो। तभी वो रियर व्यू मिरर में देखती है, जहां हम एज एन ऑडियंस एक डेड बॉडी को देखते हैं, जिसे एक हैट और एक ओवरकोट पहनाया गया था। थोड़ी देर बाद लुईज कार रोकती है और उस डेड बॉडी को कार से बाहर निकालती है, एंड यहां हमें पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी फीमेल की थी। इसके बाद लुईज उस डेड बॉडी को पास की नदी में फेंक कर यहां से निकल जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर जिनेसियर को देखते हैं, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी न्यू इन्वेंशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड फेमस हो गए थे। उनकी ये इन्वेंशन थी प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्रेस खत्म होने के बाद कुछ लोग डॉक्टर जिनेसियर से बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ डॉक्टर जिनेसियर का असिस्टेंट आकर उन्हें बताता है कि पुलिस को उनकी डॉटर की लाश रिवर में पड़ी हुई मिली है। वो डॉक्टर जिनेसियर को बताता है कि अपनी बेटी का चेहरा पहचानने के लिए उन्हें डॉक्टर हेमेनियर और डिटेक्टिव पैरेट से मिलना होगा। डॉक्टर जिनेसियर यहाँ से डॉक्टर हेमेनियर के पास निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम डॉक्टर हेमेनियर और डिटेक्टिव पैरेट को डॉक्टर जेनेसियर की बेटी के डेथ के बारे में डिस्कस करते हुए देखते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर जेनेसियर की बेटी का डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुआ था। डॉक्टर जेनेसियर यहाँ आइडेंटिफिकेशन रूम में आते हैं और अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखकर उसे पहचान लेते हैं, और यहाँ हमें उनकी बेटी का नाम पता चलता है, विच वॉज क्रिस्टियन। सीन शिफ्ट होकर लुईज की तरफ आता है, जो कि किसी एडना नाम की लड़की पर नजर रख रही थी। एडना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ घूम रही थी और इन लोगों की बातों से लुईज सुनती है कि एडना को अपनी स्टडीज के लिए एक रूम की तलाश थी। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्रिस्टियन की फ्यूनरल सेरेमनी देखते हैं, जहां हम लुईज को डॉक्टर जेनेसियर के साथ देखते हैं, और यहां हमें पता चलता है कि लुईज डॉक्टर जेनेसियर की असिस्टेंट थी। यहाँ हम जैक्स नाम के एक यंग लड़की को देखते हैं, जो कि क्रिस्टियन का होने वाला हस्बैंड था और वो भी डॉक्टर जेनेसियर के साथ ही काम करता था। जैक्स सेरेमनी खत्म होने के बाद डॉक्टर जेनेसियर से मिलकर जाता है और उसे देखकर लुईज कुछ अजीब तरह से रिएक्ट करती है। डॉक्टर जेनेसियर क्रिस्टियन की ग्रेव पर फ्लावर्स रखते हैं और लुईज उन्हें यहाँ से जल्दी चलने के लिए बोलने लगती है, क्योंकि वो ग्रेवयार्ड में कंफर्टेबल फील नहीं करती थी और उसका दिल घबरा रहा था। वो काफ़ी एंग्जियस रिएक्ट कर रही थी और डॉक्टर जेनेसियर उसे स्लैप करके उसे होश में लाते हैं और फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ हमें एक बोर्ड दिखता है जिस पर लिखा था, जेनेसियर्स मैंसन, बिना परमिशन के एंटर करना अलाउड नहीं है। वेल, डॉक्टर जेनेसियर और लुईज घर आ जाते हैं, जहाँ लुईज घर के अंदर चली जाती है और डॉक्टर जेनेसियर कार को पार्किंग में लगाने चले जाते हैं। अब यहाँ पार्किंग के पास हम एक स्ट्रेंज चीज़ देखते हैं। पार्किंग ओपन होते ही पास के कई सारे स्ट्रे डॉग्स बार्क करना स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर जेनेसियर घर के अंदर आते हैं और यहाँ आकर वो क्रिस्टियन के रूम में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि क्रिस्टियन अपनी बेड पे ही लेटी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस्टियन तो कभी मरी ही नहीं थी, और डॉक्टर जेनेसियर क्रिस्टियन से कहते हैं कि लास्ट ऑपरेशन अनसक्सेसफुल था, लेकिन इस बार वो प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे एक नया चेहरा जरूर देकर रहेंगे। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि मूवी के ओपनिंग सीन में लुईज ने जिस लड़की की लाश को उस रात नदी में फेंक दिया था, उसके फेस को प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा डॉक्टर जेनेसिया अपनी बेटी का चेहरा पर लगा रहे थे, बट वो सर्जरी अनसक्सेसफुल रही थी। नाउ बैक टू स्टोरी, हम देखते हैं कि लुईज क्रिस्टियन के रूम में आती है और क्रिस्टियन को एक सिलिकन मास्क पहना देती है और उसे बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर जेनेसिया सब ठीक कर देंगे। अब क्रिस्टियन अपने डैड के स्टडी रूम में जाकर अपने फियांसे जैक्स को फोन करती है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए क्रिस्टियन अब मर चुकी थी। यहाँ हम क्रिस्टियन की एक पेंटिंग देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि किसी जमाने में क्रिस्टियन भी काफी सुंदर हुआ करती थी। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग हम लुईज को एडना के पास देखते हैं, जहाँ लुईज एडना से दोस्ती कर लेती है और उसे अपने साथ मूवी देखने ले जाती है। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और बातों बातों में वो एडना से कहती है कि वो एक अच्छा घर जानती है, जो कि सस्ते रेंट पर अवेलेबल है, जहां वो आराम से अपनी स्टडीज कर सकती है और उसे फाइनेंशियल लोड भी नहीं लेना पड़ेगा।
एडना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और लुईस के साथ उस हाउस को देखने के लिए चल देती है। लुईस बड़ी चालाकी से एडना को डॉक्टर जेनेसिया के घर ले आती है, जहां एडना आसपास के सुनसान इलाके को देखकर इस घर में रेंट पर रहने के ख्याल को मन से निकाल देती है। तभी डॉक्टर जेनेसिया यहां आते हैं, जिनसे लुईस एडना का इंट्रोडक्शन कराती है। डॉक्टर जेनेसिया एडना को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देते हैं और उसकी बॉडी को बेसमेंट में ले जाते हैं। वो लोग ऊपर आते हैं और आपस में बात करते हैं कि नेक्स्ट ऑपरेशन कब और कैसे करना है, और यहाँ क्रिस्टियन छुप कर उनकी बात सुन रही थी। डॉक्टर जेनेसिया और लुईस के जाने के बाद क्रिस्टियन बेसमेंट जाती है और यहाँ बेसमेंट में एक ऑपरेशन थिएटर का पूरा सेटअप देखते हैं। क्रिस्टियन अपने चेहरे से वो सिलिकॉन का मास्क उतार कर जाती है और वहां हम एडना को अनकॉन्शियस स्टेट में एक बेड पर देखते हैं, जिसका फेस क्रिस्टियन अपने हाथ से टच कर फील करने लगती है, एज इफ वो उसकी स्किन को महसूस करना चाहती हो। अब एडना को होश आता है और वो अपने सामने क्रिस्टियन को देखती है, और एज एन ऑडियंस हम भी क्रिस्टियन का रियल फेस पहली बार देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, एज इफ वो जला हुआ हो या फिर किसी तरह से सर गया हो। वेल, एडना क्रिस्टियन के फेस को देखकर डर जाती है और ये फेस देखकर एक बार फिर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर जेनेसिया को यहाँ ऑपरेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ डॉक्टर एडना के फेस को हटाकर उसे क्रिस्टियन के चेहरे पर लगा देते हैं, और इस बार डॉक्टर जेनेसिया को पूरा भरोसा हो जाता है कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। वेल, इसके बाद लुईस यहाँ आती है और डॉक्टर जेनेसिया उसे बताते हैं कि ऑपरेशन ठीक गया है और वो अपने डॉग्स को देखने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम एडना को देखते हैं, जो कि होश में आ चुकी थी और अब उसका पूरा फेस बैंडेजेस से कवर था। लुईस यहाँ एडना के लिए दवाई और खाना लेकर आती है और मौका पाकर एडना लुईस पर अटैक करके उसे अनकॉन्शियस कर देती है और खुद बेसमेंट से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद लुईस को होश आता है और वो डॉक्टर जेनेसिया को जाकर बता देती है कि एडना यहाँ से भाग चुकी है। अब ये घर इतना बड़ा था और ये जगह इतनी सुनसान कि एडना को इजिली एग्जिट मिल ही नहीं पाता और वो घर में ही छिप जाती है। बचते बचते वो क्रिस्टियन के रूम में जाती है और उसकी बालकनी से बाहर भागने के लिए कूद जाती है, लेकिन उसकी कूदने से डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर जेनेसिया और लुईस को एडना की लाश मिलती है, जिसे ले जाकर वो दोनों उसे फेक क्रिस्टियन के ग्रेव में डाल देते हैं। नेक्स्ट डे हम एडना की एक फ्रेंड को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां वो एडना की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी। एडना की दोस्त पुलिस को बताती है कि एडना कुछ समय पहले किसी लेडी के साथ घूम रही थी एंड लास्ट टाइम वो उस लेडी के साथ ही गई थी, जिसके बाद वो वापस नहीं आई। एडना की दोस्त पुलिस को बताती है कि एडना की दोस्त जिस लेडी से हो गई थी, वो अपने गले में एक लार्ज नेकलेस पहनती थी, एज इफ वो उसके थ्रू अपनी कोई स्कार को छिपा रही हो। वेल, पुलिस ऑफिसर ये सारा चीज नोट डाउन कर लेते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी एडना को ढूंढ सके। दूसरी तरफ हम क्रिस्टियन, डॉक्टर जेनेसिया और लुईस को एक साथ डिनर टेबल पे देखते हैं, जहां डॉक्टर जेनेसिया बहुत खुश होकर बता रहे थे कि फाइनली उनका प्लास्टिक सर्जरी सक्सेसफुल हुआ है, जहां उन्होंने एक इंसान के चेहरे को दूसरे इंसान पर लगा दिया। लेकिन यहां ट्विस्ट तब आता है जब कुछ ही समय बाद क्रिस्टियन का फेस वापस काइंड ऑफ रॉट करने लग जाता है और उसका चेहरा फिर से बिगड़ जाता है। जी हाँ, ऐसा होने के बाद क्रिस्टियन फिर से मास्क लगाकर रहने लगती है। यहाँ हम डॉक्टर जेनेसिया को अपने बेसमेंट में एक डॉग के ऊपर कोई ऑपरेशन करते हुए देखते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि बेसमेंट के पास उस दिन जो स्ट्रे डॉग्स की बार्किंग आवाज़ आ रही थी, वो इन्हीं डॉग्स की थी, जिन्हें डॉक्टर जेनेसिया ने अपने ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेसमेंट में लॉक कर रखा था। यहाँ हम क्रिस्टियन को एक बार फिर जैक्स को फोन करते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार भी वो खुद कुछ नहीं बोलती है। फोन की दूसरी तरफ जैक्स काफी गुस्सा हो जाता है कि फोन पर कोई बोल क्यों नहीं रहा है, और इसी में गलती से क्रिस्टियन कुछ बोल देती है, जिससे जैक्स को यकीन हो जाता है कि क्रिस्टियन अब भी जिंदा है। तभी वहां लुईस आ जाती है और वो क्रिस्टियन से फोन छीनकर रख देती है। लुईस का कहना था कि दुनिया की नजर में क्रिस्टियन मर चुकी है, तो वो इस तरह की गलतियां नहीं कर सकती, लेकिन क्रिस्टियन लुईस को बताती है कि वो अब इस तरह से और नहीं जी सकती और उसका इस घर में दम घुटता है। वो लुईस से कहती है कि इससे बेहतर तो वो मर जाना समझती है। लुईस उसे समझाती है कि उसे अपने डैड पर थोड़ा भरोसा रखना होगा, क्योंकि वो उसे जरूर ठीक कर देंगे। क्रिस्टियन इतना स्ट्रेस्ड हो गई थी कि वो फेंट हो जाती है, और लुईस डॉक्टर जेनेसिया को फोन करके उन्हें यहाँ बुला लेती है। नेक्स्ट सीन में हम जैक्स को डिटेक्टिव पैरेट के पास देखते हैं, जहाँ जैक्स उन्हें बता देता है कि कुछ समय पहले उसने क्रिस्टियन से फोन पर बात करी थी, और इसका मतलब क्रिस्टियन अभी भी जिंदा है। डिटेक्टिव पैरेट फौरन इस केस पे काम करने लगते हैं, जहां वो अपनी एक असिस्टेंट पॉलेट को डॉक्टर जेनेसिया के यहाँ कोई इलनेस फेक करके जाने के लिए बोलते हैं, और अगले दिन पॉलेट डॉक्टर जेनेसिया के यहाँ एडमिट भी हो जाती है। डॉक्टर जेनेसिया पॉलेट के रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करने में लग जाते हैं, और वहां वो नोटिस करते हैं कि पॉलेट एकदम हेल्दी थी और उसे किसी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी।
पॉलेट बाहर आकर अपने घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में लुईस उसे मिल जाती है जो कि उसे लिफ्ट देने के बहाने अपने साथ ले जाती है। यहाँ जैक्स डिटेक्टिव फैरेट को फोन करके उन्हें बता देता है कि पॉलेट यहाँ से जा चुकी है। बट अब सीन शिफ्ट होकर बेसमेंट में आता है जहाँ हम पॉलेट के फेस पर सेम वही सर्जरी की ट्रीटमेंट देख पाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टियन जो कि अभी भी इसी बेसमेंट में मौजूद थी, वो देख लेती है कि यहाँ पॉलेट को किस तरह रखा गया था और उसे पॉलेट पर दया आ जाता है, इसीलिए वो जल्दी से पॉलेट को खोल देती है। तभी लुईस भी यहाँ आ जाती है और क्रिस्टियन लुईस का ध्यान भटकाने के लिए उसके गले पर एक वार करती है और इस वार से लुईस मारी जाती है। पॉलेट यहाँ से भाग जाती है और क्रिस्टियन यहाँ बेसमेंट में कैद स्ट्रे डॉग्स और बर्ड्स को फ्री कर देती है। तभी डॉक्टर जेनेसिया यहाँ आते हैं और वो सारे स्ट्रे डॉग्स उन पे काइंड ऑफ अटैक कर देते हैं और उन्हें काट काट कर उनकी जान ले लेते हैं। मूवी के क्लोजिंग सीन में क्रिस्टियन केजेस में रखे बर्ड्स को पास के एक फॉरेस्ट में आजाद कर देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आईज विदाउट अ फेस मूवी की एक्सप्लेनेशन, और फिल्म की स्टोरी काफी सिंपल है। मेटाफोरिकली देखा जाए तो ये कहानी बेसिकली एक ऐसे लड़की की है जिसको हमेशा कैद करके रखा गया था ये बोल के कि वो अच्छी नहीं दिखती, लेकिन शायद ही सोसाइटी जान रहा था या उसके पापा जान रहे थे कि लुक्स उतना मैटर नहीं करता, और वो एक तरह से कैद थी, ठीक उसी तरह जिस तरह उस घर में स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे एनिमल्स और बर्ड्स भी कैद थे। मूवी के एंड में सिर्फ क्रिस्टियन ही नहीं बल्कि वो डॉग्स और बर्ड्स भी फ्री होते हैं, और ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है कि अब क्रिस्टियन पूरी तरह से फ्री है और ये पूरी दुनिया अब उसके लिए ओपन है। तो बस यही थी फिल्म की कहानी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।